नमस्कार। अर्निंग के तरीके आज आप इस वीडियो में जरूर देखेंगे। दोस्तों, आपके मन में कई बार सवाल आता है कि हमें कोई ऐसा तरीका मिल रहा है जिससे हम रोज़ाना आसानी से अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से पैसा दोस्तों कमा सकें। देखिए, अर्निंग के बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, अर्निंग एप्लीकेशन भी मार्केट में बहुत सारे आते हैं, जो कि काफ़ी लोग उस एप्लीकेशन से पैसा बनाते भी हैं और काफ़ी लोग उस तरीके से भी पैसा गंवाते भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैच की बात करें यानी कि क्रिकेट की हम बात करें तो काफ़ी लोग क्रिकेट में भी पैसा लगाते हैं, जैसे माई सर्कल 11 या ड्रीम 11 हो गया, या आपने एक एप्लीकेशन ज़रूर सुना होगा, काफ़ी बार आपने यूट्यूब पर उसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि जूपी पर लूडो खेलो और उससे आप लाखों रुपये कैश जीतो। मतलब क्या आप उससे सच में पैसे बना सकते हो, यानी कि लूडो खेल के आप पैसा बना सकते हो? तो जितने भी अर्निंग एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन में आपको इन्वेस्ट करना होता है, रिस्क लेना होता है, उससे आप पैसा बनाते भी हैं। काफ़ी लोग पैसा बनाते भी हैं, काफ़ी लोग पैसा गंवाते भी हैं, ये भी सत्य है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का दोस्तों उसमें प्रॉफिट होता है। अर्निंग एप्लीकेशन है, जितनी भी अर्निंग एप्लीकेशन है, उन सभी अर्निंग एप्लीकेशन में दोस्तों शुरुआत में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका प्रॉफिट होता है, और जो बाद में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि एप्लीकेशन भागने वाला जब होता है तो उन लोगों का लॉस भी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको रोज़ाना ट्रेडिंग के दोस्तों ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जो कि कभी भागने वाला नहीं है। और यहाँ से अगर आप 1000 या 2000 रुपये रोज़ाना बनाना सीख जाते हैं तो इससे बेहतरीन कोई तरीका है ही नहीं पैसा कमाने का। अब यहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी सभी लोग प्रॉफिट ही करते हैं। सेम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन कितने, मतलब जितने भी एप्लीकेशन हो या अर्निंग का कोई भी तरीका हो, सभी अर्निंग तरीके में दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना होता है। रिस्क प्रत्येक तरीके में है और पैसा भी आप प्रत्येक तरीके से बना सकते हो। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। आप महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये बहुत ही आसानी से दोस्तों बना सकते हो। काफ़ी लोगों ने बोला भी होगा या आपने कई बार सुना भी होगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से लाखों रुपए दोस्तों बनाता हूँ, वो सच है। तो आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग से रोज़ाना बहुत छोटा अमाउंट 500, 1000, 2000 रुपये बनाना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आपको रोज़ाना ट्रिक्स बताऊँगा और रोज़ाना आपको कॉल्स भी प्रोवाइड कराऊँगा ताकि आप पैसा बनाना सीख जाएँ। मैं भी आपको वीडियो में इसलिए बताता हूं ताकि आप उन कॉल्स में शाम तक प्रॉफिट बना सकें, और ट्रिक्स में इसलिए बताता हूं ताकि आप खुद से भी सोच समझकर कॉल्स में पैसा इन्वेस्ट करें और उसको कब उसमें हमें एग्जिट करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना दोस्तों कहीं भी कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्री में नहीं सिखाता है। हाँ, कुछ ट्रिक्स बता देता है बट आपको कॉल्स प्रोवाइड कोई नहीं कराएगा, खुद से कभी भी ये चीज़ नहीं सिखा पाएगा कि आप खुद से ट्रेडिंग आके कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, मैंने ग्रो एप्लीकेशन का दोस्तों लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पर मार्केट अभी देखेंगे तो मार्केट टोटल आज ग्रीन है। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट ग्रीन है या रेड है। अब मार्केट ग्रीन है यानी कि जो ग्राफ होगा वो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ होगा, और मार्केट रेड है तो जाहिर सी बात है ग्राफ होगा नीचे की तरफ। अब मार्केट ग्रीन है और हमें करनी है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट यहाँ पर ग्रीन है तो हमें आखिर कौन सी कॉल्स को बाय करना है, कौन सी कॉल्स को, यानी कि पुट कॉल पर जाना है या दोस्तों सी वाली कॉल्स पर जाना है, ये जानना आपको ज़रूरी है। आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में कहीं भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या आप मतलब ब्रोकर के जरिए से आप कॉल्स लेते हैं और उसकी आप पेमेंट देते हैं यानी कि फीस देते हैं, तो आपको ब्रोकर किस तरह से दोस्तों कॉल प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर अगर आप सीख जाएंगे तो आपको किसी ब्रोकर को पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मार्केट ग्रीन है तो जब मार्केट ग्रीन होता है तब आपको दोस्तों पुट पर बिल्कुल नहीं जाना होता है, क्योंकि ये पुट वाली जितनी कॉल्स होती हैं आपको मोमेंटम नहीं देगी यानी कि प्रॉफिट नहीं देगी। मार्केट जब ग्रीन होता है तब हमें जितनी भी सी वाली कॉल्स होती हैं उन पर जाना होता है, मोमेंटम उसी पर होता है, उसी पर हमें पैसा मिलेगा। यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मात्र 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में दोस्तों अच्छा प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर अच्छा प्रॉफिट करते हैं और निकल जाते हैं, पूरा दिन आराम से मौज लेते हैं।
और ऐसे भी लोग हैं जो अपना एक घंटा दोस्तों ऑप्शनल ट्रेडिंग में देते हैं और एक रुपया नहीं कमा पाते हैं दोस्तों, सारा का सारा लॉस कर देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही सतर्क तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर सोच सकते हैं कि 10 मिनट वाला बंदा प्रॉफिट कर रहा है और एक घंटे वाला बंदा लॉस कर रहा है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे निफ्टी 50 की कॉल्स। तो सिंपल आपको निफ्टी 50 पे क्लिक करना है। निफ्टी 50 पे सबसे पहले मैं आपको देखिए चार्ट देखना बताने वाला हूँ। तो निफ्टी 50 का हम चार्ट देखेंगे, तो चार्ट देखने के लिए हम इसके पूरे ग्राफ में जाएंगे। यहाँ से जब हम इसके ग्राफ में जाएंगे तो इसकी हम कैंडल्स देखेंगे। कैंडल्स को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा कैंडल समझ लेंगे आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। यहाँ से अगर आप कैंडल देखेंगे तो तीन कैंडल जो बनी है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, तीन कैंडल ग्रीन है और एक ही कैंडल रेड वाली बनी है। मतलब इसमें क्या हुआ है कि मार्केट जब दोस्तों मतलब सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो मार्केट ग्रीन था, यानी कि गैप अप में आया। अब गैप अप में कितनी देर तक रहा देख सकते हैं कि दो कैंडल लगातार बनी। अब ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि मार्केट खुलते ही जो लोग चार्ट देखना जानते हैं वो लोग 5 मिनट के लिए क्या करते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग कॉल्स पर बाय करते हैं, या पुट वाली या सी वाली, मार्केट के अकॉर्डिंग यानी कि मार्केट रेड है या ग्रीन है उसके अकॉर्डिंग बाय करते हैं और तुरंत प्रॉफिट करने के बाद एग्जिट मार देते हैं। यहाँ से फिर क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट किया। प्रॉफिट करने के बाद मतलब इतने मोमेंट में जितनी कैंडल जो रेड जो बनी है, इस मोमेंट में क्या हुआ होगा कि काफ़ी लोगों ने सडनली बाय कर दिया, सॉरी सेल कर दिया। यानी कि जब बाय करेगा तो मार्केट ग्रीन होगा, जाहिर सी बात है मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो मार्केट ग्रीन होगा और जब मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट रेड होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर से जो कैंडल बन रही है वो ग्रीन कैंडल एक लगातार बन रही है। तो यहाँ पर आप जब ग्रीन कैंडल देख सकते हैं कि कैंडल का साइज सबसे पहले देखिए कि साइज कितना बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इतना बड़ा साइज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो यहाँ से जाने के बाद तुरंत सी वाली कॉल्स पर देख रहे होंगे और इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए मैं तुरंत आपको कॉल्स दिखाऊंगा। कॉल्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, देखिए मैं आपको प्रत्येक वीडियो में विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और मैं आपको ये सिखा सकता हूँ गारंटी से। आप अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप गारंटी से आप पैसा बनाना सीख जाएंगे, आपको किसी ब्रोकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप मोबाइल की स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ ग्रीन हो रहा है और यहाँ पर सी वाली कॉल पर देख सकते हैं प्रत्येक कॉल में मोमेंटम है और यहाँ पर आप देखिए कि पुट वाली कॉल पर किसी भी कॉल पर मोमेंटम नहीं है। अब यहाँ से आपके पास कैपिटल 5,000 या 10,000 रुपये है तो कम से कम 20 रुपये वाली 10 रुपये वाली कॉल्स को देखिए। देखिए एक कॉल्स है 20,150, इसका प्राइस चल रहा है 13.80 रुपया। अब यहाँ पर इसका सबसे लोएस्ट प्राइस देखिए 6.30 रुपया। तो साफ साफ देख सकते हैं कॉल्स है दोस्तों 20,150 CE। ये है निफ्टी 50 में है, देख सकते हैं 13.80 रुपया और यहाँ पर 13.95 रुपया यानी कि 14 रुपये तक आराम से अभी तक चली गई थी ये। और इसका अब समय के अकॉर्डिंग देखिए 9:28 पे 12 रुपये, और अगर आप देखेंगे तो जैसे मार्केट खुला था तो इसका प्राइस था 9 रुपया और अभी 14 रुपये पे देख सकते हैं आ चुका है। तो ये कॉल आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी। देखिए लगातार चार्ट देखिए ऊपर जा रहा है, 14, 10, 14, 5 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आज ये हाईएस्ट प्राइस ये चला गया है 15 रुपये, यानी कि अभी अप्रॉक्स ये अपने हाईएस्ट प्राइस पर चल रहा है। तो ऐसे में आपको इसको बाय नहीं करना है अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट मोमेंटम पर चल रहा है। अब जैसे ही इस कॉल का प्राइस मान लो 14 रुपये चल रहा है, 14 रुपये से जैसे ही इस कॉल का प्राइस 10 रुपये भी आ जाता है तुरंत इसको आपको बाय करो और फिर से ये 15 रुपये पर पहुँचता है तो आपका प्रॉफिट अच्छे से हो जाएगा। अब इतने कम मोमेंट में प्रॉफिट कैसे होगा, आपका कैपिटल भी अच्छा होना चाहिए। अब मान लो कि 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट वो है कैपिटल है और आपने 10,000 10 रुपये पे इसको बाय किया, अब 5 रुपये बढ़ रहा है, 5 रुपये में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपका प्रॉफिट होता है। तो फिर आपको क्या करना है, वेट करना है, थोड़ा और वेट करिए कि देख सकते हैं कि इस कॉल में कितना मोमेंटम होता है। हो सकता है 15 रुपये से ये 20 रुपये हो जाए। अब आपने 10 रुपये इसको बाय किया और 5 रुपये आपने कैपिटल लगाया। अब जैसे आपने 5,000 रुपये इसमें कैपिटल लगाया और आपने कुछ देर वेट किया, हो सकता है इसने अच्छा मोमेंटम दिया और ये 20 रुपये का हो गया, तो आपका 5,000 का तुरंत हो गया दोस्तों 10,000। तो इस तरह से ये ऑप्शनल ट्रेडिंग दोस्तों पैसा देता है।
तो इस कॉल पर देखिए, अभी देख सकते हैं यहाँ पर बाय करने वालों की संख्या बढ़ गई है और सेल करने वालों की संख्या कम गई है। यहाँ पर मैं प्रत्येक वीडियो में ये भी बताता हूँ कि आप जिस भी कॉल्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये वाला ग्राफ भी जरूर देखना होता है कि बाय कितने लोग कर रहे हैं, सेल कितने लोग कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट क्या होगा दोस्तों, ग्रीन होगा, और जब लोग सेल करेंगे तो मार्केट क्या होगा, रेड होगा। तो जाहिर सी बात है अभी इसमें लोग ज़्यादातर लोग इसको बाय कर रहे हैं तो इसका रेट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो ऐसे में आपको वेट भी करना होता है क्योंकि ऑलरेडी अब इसका हाइएस्ट प्राइस 15 रुपये चला गया है, हो सकता है ये 20 रुपये चला जाए, वो आपको देखना है। अगर आप 13-14 रुपये में बाई करते हैं तो जाहिर सी बात है मान लो अभी इसका हाइएस्ट प्राइस चल रहा है 14 रुपये चल रहा है, तो अगर आप बाई करेंगे तो कम से कम 20 रुपये तक का वेट करेंगे तब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, या आज ये 10 रुपये तक पहुँच गया तो अगर 20 रुपये पहुँच गया फिर भी आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरह से कॉल्स का प्राइस देखना है, मोमेंटम देखना है। तो इसके अलावा जस्ट इसके ऊपर एक और है 20.50, इसका हाईएस्ट प्राइस क्या है 33.90 रुपया और सबसे लोएस्ट प्राइस है यानी कि 17 रुपया, तो ये भी अपने हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है। मैंने आपको भी मेन मार्केट दिखाया, उस मेन मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल जो थी वो कौन सी थी दोस्तों, ग्रीन कैंडल थी। अब ग्रीन कैंडल्स के अकॉर्डिंग इन सभी कॉल्स पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जैसे वो कैंडल बढ़ती जा रही थी सडनली जो लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग करने में कि हमें कब कौन सी कॉल पर जाना है। अब मैंने आपको बताया कि कैंडल जैसे ग्रीन होती जा रही है आधी कैंडल होगी फिर भी वो बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है सी वाली कॉल पर जाना है और आपका डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। अब 17 रुपये इसका प्राइस देख सकते हैं, देखिए अगर मैं इसका टाइम देखूंगा तो जैसे मार्केट खुला था इसका प्राइस था मात्र 20-24 रुपया और अभी 31 रुपये में चल रहा है, 31-32 रुपये चल रहा है। तो ऐसे में ये भी दोस्तों 30 रुपये वाली कॉल है दोस्तों 20.50 CE है, इसका प्राइस अभी 31.20 चल रहा है, तो हो सकता है इसका टारगेट दोस्तों ये भी कम से कम 50 रुपये तक ये पहुंच जाए। मार्केट और ग्रीन होगा तो डेफिनेट, अभी तो शुरुआत है, मार्केट खुला ही तो है, कैपिटल अच्छा है आपके पास, तो 20,000 एक कॉल है दोस्तों 20,000 CE 45 रुपया प्राइस चल रहा है, लोएस्ट प्राइस है मात्र 27 रुपया और इसका 50 रुपये तक हाईएस्ट प्राइस चला गया है। अभी ये नीचे की तरफ देखिए 43 नीचे तरफ गिर रहा है, यानी कि बाय करने वाले बढ़ रहे हैं, सेल करने वालों की संख्या कम है, तो इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। अब मान लो कॉल है 20,000 CE इसका प्राइस है 43-42 रुपये चल रहा है, तो इसको आप बाय करिए, जैसे इसका रेट गिरे यानी कि ये 40 रुपये या मान लो ये 40 रुपये पर आ जाए तो इसका हाइयर प्राइस 50 रुपये तक ये आराम से पहुँचेगी, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर ये कॉल जाएगी। और कैपिटल अच्छा है आपका 19,850 ये सब, ये जितने भी कॉल्स मैं बता रहा हूँ ये सभी कॉल्स उन लोगों के लिए जिनके पास कम से कम 20,000-30,000 रुपये का फंड है, वो ये सभी कॉल्स पर किसी भी कॉल्स पर जा सकता है, प्रत्येक कॉल में आपका डेफिनेटली दोस्तों प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में यही फायदा है कि जब मार्केट यानी कि ग्रीन या रेड होता है तो प्रत्येक कॉल में मोमेंटम देखने को मिलता है। अब वो आपका लक बाई चांस है कि आपको मार्केट अच्छे से देखना आता है, तो मान लो आपने किसी भी कॉल्स में 200 रुपये से उसको बाय किया और आधा घंटे के अंदर या एक घंटे के अंदर वो तुरंत क्या हुआ 400 रुपये का हो गया, तो इस तरह से या 10 रुपये की कॉल थी 20 रुपये की हो गई या 20 रुपये की कॉल थी 40 रुपये की हो गई, तो ये सभी कॉल्स क्या होता है, ये लक वाई चांस नहीं, आपको मार्केट अगर सही तरीके से देखना आता है तो आप विद फाइव मिनट में आप अपना अमाउंट डबल कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट सही से नहीं आता है और आप सोच रहे हैं कि एकदम भपकी में आ गए हट जाओ मुझे मार्केट से पैसा छापना है और मैं आज ही करोड़पति बन जाऊंगा, तो जितना कैपिटल आप लेकर आए हैं वो सारा का सारा 5 मिनट के अंदर जीरो भी हो जाता है, मतलब जीरो एकदम तो नहीं होगा, मान लो कि आपने किसी भी कॉल का 20 रुपये से ख़रीदा तो एकदम ये जीरो तो नहीं होगा, मगर हो सकता है कि एकदम ये 10 रुपये हो जाए 5 रुपये हो जाए, तो इस तरह से मार्केट पैसा ले भी लेता है, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। मगर मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप ये बाय करने वाला ग्रीन और रेड ये जानते हैं और मॉर्निंग से अगर 1 बजे तक अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जीरो होने का कोई चांस नहीं है, एकदम स्टॉक कोई सा भी नहीं गिरता, मार्केट ख़त्म होता है तभी वो जीरो होता है।
तो एग्जिट करना भी आपको आना चाहिए। अब ये नहीं है कि मार्केट खुलने का समय 9:15 है और बंद होने का समय है 3:30 बजे तक, तो आपको सुबह से आपने कॉल बाय कर ली, मान लो आपने कैपिटल लगाया उसमें कम से कम 20,000 रुपये का कैपिटल है या आपका 30,000 रुपये का कैपिटल है और आपका बीच बीच में लगभग लगभग 2,000 रुपये का या 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ भी, तो आपने फिर भी एग्जिट नहीं किया। आपके मन में क्या है कि जब तक 20,000 रुपये से मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि डबल प्रॉफिट नहीं होगा या अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा। तो ऐसे लोग कभी कभी स्टॉक मार्केट में दोस्तों पैसा गवा भी देते हैं। स्टॉक मार्केट पैसा देता है तो पैसा कभी कभी लेता भी है, तो आपको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये निफ्टी फिफ्टी जितनी भी कॉल्स बताई हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की कॉल्स भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर देखिए, पहले तो ग्रीन चल रहा है बट चार्ट देखना, तो जैसी बात आपको चार्ट देखने के लिए मैंने आपको बताया कैंडल्स ज़रूर देखनी है। अब यहाँ पर कैंडल्स की अगर बात करेंगे तो देखिए कैंडल्स यहाँ पर लगातार अभी रेड बन रही है और पहले ये ग्रीन बनी थी, तो यहाँ पर जब ग्रीन बनी होगी तो सी वालों ने पैसा कमाया होगा। ये इस मार्केट में जिस तरह से दोस्तों डिफरेंट होता है उसी तरह से कॉल्स में मोमेंटम चलता है, प्रत्येक कॉल में मोमेंटम चलता है। तो यहाँ पर इसके भी ऑप्शन देखेंगे हम, तो ऑप्शन देखने के लिए यहाँ इसी बात है, देखो यहाँ पर सी पर ही प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट ग्रीन है। जैसी बात है मार्केट ग्रीन चल रहा है, अपने रेट से अप में चल रहा है, तो अब अगर मार्केट एकदम रेड होगा तो एकदम तो सडनली मोमेंटम एकदम बदल तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कुछ कॉल्स, 46,000 ये वाली कॉल देखेंगे हम, 46,000 वाली कॉल है, देख सकते हैं कि ग्राफ कितने ऊपर तक गया है दोस्तों। इसका प्राइस देखिए 33-32 यानी कि हाईएस्ट 36 रुपये तक इसका प्राइस चला गया है। तो इस कॉल्स में यहाँ पर देखिए, उस अभी मैंने मेरे मार्केट दिखाया था वहाँ पर रेड कैंडल बननी थी, तो जैसे वो रेड कैंडल बनी इसका प्राइस नीचे आ गया। तो मैंने बोला नहीं कि अगर मार्केट दोस्तों ग्रीन है, अगर उसमें मार्केट की कैंडल रेड बनने लगी तो जो सी वाली है वो नीचे भी गिरेगी, पी वाली उठेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 36-25 रुपये तक 20 रुपये के प्राइस था, यानी कि 28 रुपये पर आ चुकी है। इसका आप ग्राफ देखिए कितना अच्छा मोमेंटम, ये इस वाले कोने पर देखिए यहाँ तक जो लोग गए होंगे उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट करके एग्जिट मार दिया। अब जैसे एग्जिट मारा ग्राफ नीचे की तरफ आया, अब नीचे की तरफ आया फिर से ये 28 रुपये पहुँच रहा, यानी कि देखिए फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। बायर सेलर देख सकते हैं, बाय करने वालों की संख्या दोस्तों कम है, सेल करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तभी तो ये नीचे गिरा है। अब यहाँ पर अभी क्या है, आपके पास मोमेंटम है, यानी कि 27 रुपये आप इसको बाय करेंगे तो ये फिर से ऊपर जाएगा, डेफिनेटली दोस्तों ये जाएगा, अपने हाईएस्ट प्राइस 36 रुपये तक गया है, ये इसको भी क्रॉस कर सकता है। कॉल्स है दोस्तों 46,000 है दोस्तों, सी है, बैंक निफ्टी में है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। 45,900 देख सकते हैं, इसका भी ग्राफ इस तरह से ऐसे बना है, ऐसे करके कि हेलीकॉप्टर एकदम ऐसे करके बना है। तो यहाँ पर इसका हाजिर प्राइस देख सकते हैं 50, यानी कि अप्रोक्स 48 रुपये तक गया है, 50 रुपये तक गया है अप्रोक्स, 28 रुपये प्राइस चल रहा है इसका, लोएस 28 रुपये, अभी 37-36 रुपये चल रहा है। बायर्स ज़्यादा हो रहे हैं, सेलर्स कम हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली दोस्तों अपने हाजिर प्राइस पर जाएगा। मौका है अभी आपको, कॉल्स है 45,900 इसको बाय कर लीजिए, आपका डेफिनेटली दोस्तों उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल अच्छा है तो आप कॉल्स पे जाइए, उन कॉल पे जाइए इनका प्राइस भी अच्छा है, आपका डेफिनेटली दोस्तों प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर फिर निफ्टी में भी सेम ऐसे ही करना है आपको, ऑप्शन में जाना है, इसके भी कॉल देख सकते हैं यहाँ पर सी पर, क्योंकि ये भी ऑलरेडी ग्रीन है। तो यहाँ पर कैपिटल कम से कम आप 10,000-20,000 कैपिटल रखिए और कोशिश कीजिए कि मैं उस शेयर को बाय करूँ जिसका प्राइस कम से कम 100-150 रुपये हो, वो अच्छा प्रॉफिट भी देता है, लॉस नहीं देता है। जो कॉल 10-20 रुपये की होती है वो डबल तो बहुत जल्दी होती है, बट दोस्तों कभी कभी जीरो भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।